एक महात्मा नाव में बैठे थे, नाव में और भी लोग बैठे थे, नाव बीच नदी में पहुंची, डगमगाने लगी। अब सब लोग राम राम शिव शिव करने लगे, महात्मा निर्द्वंद बैठे और लोग रो रहे थे, महात्मा गा रहे थे गीत, हरी तेरी नैया डगमग डोले, हरी तेरी नैया डगमग डोले, हरी तेरी नैया डगमग डोले, डगमग डोले, हरी तेरी नैया डगमग डोले, डगमग डोले, हरी तेरी नैया डगमग डोले, हरी तेरी नैया डगमग डोले। भगवान आज तो आपकी नाव भी डगमग डगमग डोल रही है, अब लोगों को लगा कि हम रो रहे हैं और ये महात्मा गा रहे हैं, लोगों को बड़ा बुरा लगा। कोई बोले महात्मा कोई उठा के नदी में फेंक दो, दूसरे लोगों ने कहा कि पता नहीं किस पाप से तो अभी मरे जा रहे हैं, महात्मा को फेंकेंगे तो और जल्दी मरेंगे। अब फेंक भी नहीं सक रहे, और महात्मा ने एक काम किया, अपना कमंडल उठाया और नदी का जल कमंडल में भर भर के नाव में डालने लगे। कमंडल में पानी भर भर के नदी में डालने लगे, लोगों ने कहा कि और जल्दी डुबाएंगे, पानी डाल डाल के डुबाएंगे, पर भगवान की कृपा से नाव बच गई, किनारे लग गई, सब लोग उतर गए। महात्मा अभी भी नाव में बैठे थे और नाव में भरा हुआ पानी फिर नदी में डालने लगे। महाराज क्या कर रहे थे, नाव में जब पानी नहीं होना चाहिए तो पानी डाल रहे थे और नाव बच गई, अब पानी पड़ा भी रहे तो फिर नदी में डाल रहे, ऐसा क्यों? महात्मा बोले ना हम नाव में पानी डाल रहे थे ना नाव को पानी से खाली कर रहे हैं, का फिर काम तो राम जी की हां में हां मिला रहे थे, डूब रही थी तो हम और पानी डाल के डुबा देंगे, अब बच गई तो डुबा कौन सकता है।